तो आज के इस वीडियो में हम आपको 25,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बताएंगे। वैसे इस बजट में काफी सारा फोन है जिसके कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा फोन बेस्ट फोन है, कौन सा फोन हमें लेना चाहिए। कंफ्यूजन कोई भी हो सकता है क्योंकि सब फोन बढ़िया फोन नहीं होता है, और इसीलिए आपके काम को आसान करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अपने लिस्ट में जितना भी फोन है सभी फोन बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का मिलेगा। एंड ये सभी फोन इस बजट का एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आप इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो चलिए अब लिस्ट को स्टार्ट करते हैं नंबर 5 वाले फोन से। 5वें नंबर पे आता है आईको की तरफ से आईको G9 5G। अपने लिस्ट का सबसे सस्ता एंड बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं इस फोन को। ये फोन खास करके उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 20,000 रुपया है। खैर ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, सनलाइट वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और डिस्प्ले बढ़िया ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा नहीं मिलेगा, दो ही कैमरा है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर भी है, और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। अच्छी बात यह है कि प्राइमरी कैमरा में सोनी MX882 वाला सेंसर लगा हुआ है। खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का काफी बेटर मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7,30,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। ये चीज बढ़िया है, प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 44W का चार्जर को। लगभग 30 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते चले तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 188 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.8mm का थिकनेस है। स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा एंड IP54 का रेटिंग भी मिलेगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फन टच 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 20,000 रुपया है, और 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 22,000 रुपया है। तो हाँ 25,000 के अंडर में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में 4th नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T2 Pro 5G। वीवो की तरफ से 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। हालांकि इस फोन को लॉन्च होने से थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बट फिर भी इस बजट के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से ही। गाइस इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि ये 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7,00,000 प्लस अंतुतु स्कोर है। 25,000 के अंडर वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, प्रोसेसर बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इसमें 4600mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 66W का चार्जर को। चार्जर बढ़िया है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके देगा और बैकअप भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। तो कर्व AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.7 का अपर्चर भी है, और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है, खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वगैरह डिसेंट है। खैर रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस फोन का बैक साइड वो ग्लास का बना हुआ है। 175 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.3mm का थिकनेस है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फन टच OS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। और हाँ इसमें
इसमें IP52 का रेटिंग भी मिल जाएगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 24,000 रुपया देना होगा और 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 25,000 रुपया देना होगा। तो 25,000 के अंडर में वीवो की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो दोस्तों लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2A 5G। वैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस फोन को लॉन्च होने से, एंड्रॉइड 14 के साथ ये फोन आता है और एंड्रॉइड 17 तक का अपडेट इसमें मिलेगा। इसके अलावा इसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 190 ग्राम इस फोन का वेट एंड 8.5 mm का थिकनेस है। डिजाइन इस फोन का बढ़िया है, काफी खूबसूरत डिजाइन है, बट बिल्ड क्वालिटी वगैरह को डिसेंट कह सकते हैं। इसमें डुअल स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं है, फेस अनलॉक का सपोर्ट तो मिलेगा ही एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन नथिंग OS 2.5 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। इसमें 3 ईयर तक का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पेच अपडेट मिलेगा। और हाँ, इसमें IP54 का रेटिंग भी है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, 1300 nits का पीक ब्राइटनेस है, 120 Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 Hz कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है। ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, सनलाइट वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, रिफ्रेश रेट भी सही है, डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। खैर अब कैमरा की बात की जाए तो इस फोन के बैक साइड दो ही कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सैमसंग G9 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा। और सेल्फी कैमरा में सोनी MX615 वाला सेंसर लगा हुआ है। अब पीछे के मेन कैमरा से एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं, कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। 22-23 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। बट दुख की बात यह है कि ये चार्जर आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का सबसे बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 23,999 रुपया है। इस फोन का दो और वेरिएंट आता है, 8256 के लिए आपको 26,000 रुपया देना होगा और 12256 के लिए आपको 28,000 रुपया देना होगा। तो दोस्तों 25,000 के अंडर में आने वाला यह भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो दोस्तों लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको X6 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, 25,000 के बजट में यह एक अच्छा बढ़िया पावरफुल स्मार्टफोन है, अगर ऑलराउंडर फोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, इसके अलावा कैमरा वगैरह भी सही है। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 190 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.3 mm का थिकनेस है। डिजाइन डिसेंट मिलेगा एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। डुअल स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, IP54 का रेटिंग है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिलेगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन हाइपर OS के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो आइए अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले वगैरह का। तो इसमें 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। जो 1.5K डिस्प्ले पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि ये डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले से थोड़ा सा बेहतर होता है। वैसे भी डिस्प्ले बढ़िया ही है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1800 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में काफी लाजवाब का है ये फोन। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8
मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.7 का अपर्चर भी है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। कैमरा इस फोन का डिसेंट मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो दोस्तों इसमें MediaTek Dimensity 8300 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 14 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर है। भाई स्कोर काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। प्रोसेसर जो है ना काफी हैवी लेवल का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में कर सकते हैं। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। 45-46 मिनट में 0 से 100% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो ये अच्छी बात है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 24,500 रुपया है। इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है 12512 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 26,500 रुपया है। तो ये दोनों वेरिएंट इस बजट का एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फोन को ले सकते हैं, वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। खैर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस अपने लिस्ट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है OnePlus Nord 3 5G। वैसे ये फोन काफी महंगा में तो लॉन्च हुआ था बट फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 25,000 के अंडर में ही मिल जाएगा और इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का मिलेगा। एक अच्छा ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कह सकते हैं इस फोन को। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 193 ग्राम फोन का वेट है एंड 8.2mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है बट बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह काफी लाजवाब का मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट तो मिलेगा ही एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी है। इसमें IP54 का रेटिंग मिलेगा और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन ऑक्सीजन OS 13.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.74 इंच का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1450 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा और इसके ऊपर ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। तो रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड डिस्प्ले काफी लाजवाब का है। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा मैक्रो सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर भी है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर और फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। भाई इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। कैमरा के मामले में भी ये फोन काफी लाजवाब का है। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 8.5 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर है। प्रोसेसर काफी हैवी लेवल का मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80W का चार्जर को। हाँ चार्जर बढ़िया है, आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा ये चार्जर। और रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे फ्लिपकार्ट पर 21,500 रुपया है। तो 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 25,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है। अब ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।